बाद इतना मजा आया पूछी मत। हाँ तू सही कह रही है, पता है शादियों पे ऐसे ही मजा आता है। मेरी कजिन की शादी थी ना, ओ माय गॉड कितना मजा आया था। बाल गोपाल देखो हेमा की सहेलियां आई। हाँ गोपाल देख रहा हूँ, काफी खुश नजर आ रही है हेमा अपनी सहेलियों के साथ। हाँ गोपाल रुको, तुम इन लोगों के पास मत जाओ। अरे मिलने जा रहा हूँ भाई, वैसे भी साधना यहाँ पर नहीं है, लखनऊ गई है। मैं कम से कम पूछ तो लूँ कुछ चाहिए या नहीं। गोपाल उन्हें जो चाहिए होगा ना वो हेमा उन्हें दे देगी। तुम सहेलियों के बातों के बीच में बौधान मत बदने जाओ। तुम भी ना यार कुछ भी बोलते रहते हो। वो जो दूल्हा था ना उसके जूते ही नहीं मिले। हेलो बच्चों। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? हाँ जी अंकल बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों के बाद आए तुम लोग। अंकल वो एग्जाम की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ चलो अच्छा है। अरे तुम लोग आते हो ना तो मुझे वो तुम्हारे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। याद है तुम लोग संडे को आया करते थे, हर संडे को यहाँ पर, और ये हेमा की मम्मी खाना बनाने में लग जाती थी सुबह से, आलू टिक्की चाट छोले भटूरे, याद है? याद है अंकल। उसके बाद तुम लोग खेलते भी थे। और ये हेमा को देखो हमेशा रोने लगती थी, क्यों याद है हेमा? रोती थी ना? आज भी रोती है वैसे, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों की तरह रोती थी। आते रहा करो, अच्छा लगता है। तुम लोग आते हो ना तो हेमा के बचपन के दिन याद आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी तक बड़ी नहीं हुई। एक मिनट जरा। हेलो, अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ थैंक यू सो मच। जी 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 रखता हूँ, थैंक यू। अरे हेमा बहुत बड़ी खबर है, इंटर स्टेट एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन में तेरा सिलेक्शन हो गया है। वाओ हेमा कांग्रेचुलेशंस। क्या? हाँ बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। तुम लोगों को मालूम है पूरी स्टेट में 10 कॉलेजेस में से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें हमारी हेमा सिलेक्ट हुई है। बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए हेमा, बहुत खुश हूँ। अच्छा सुन अभी तो हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी ना इसके लिए, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा सुन मैं तेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करूंगा, तेरे लिए मैं जूते सिलेक्ट करूंगा, कौन कौन सी किताबें लेनी है वो भी सोचना पड़ेगा, फिक्र मत कर मैं कर दूंगा वो सब सिलेक्ट। और हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा अभी। मुझे पूरा यकीन है हेमा तू ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतेगी, और सुन जीतने के बाद सबको थैंक यू बोलना मत भूलना, समझ गई ना? यस पापा। हाँ बड़ों के आशीर्वाद से ही इंसान आगे बढ़ता है, याद रखना। राइट पापा। एक पेड़ जितना झुका हुआ रहता है उसमें उतने ही फल होते हैं, हाँ समझ गई ना? हाँ पापा। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब तू ये कॉम्पिटिशन जीतेगी, और मैं सबसे ज्यादा सबसे देर तक तालियां बजाऊंगा, सबसे कहूंगा ये मेरी बेटी है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे पापा। हेमा? हाँ पापा। पापा मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। आप ये भी नहीं सोचते कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ या मैं कॉलेज में हूँ या कहीं और हूँ। आप जब देखो तब मुझे बच्ची की तरह क्यों ट्रीट करते हो? नहीं लेकिन मैं तो बस। प्लीज पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ पापा। पापा प्लीज आप इस बात को समझिए, पापा मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, एक लाइफ है, एक दुनिया है, और उस दुनिया में रहने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए पापा। और आप तो मेरी ऐसे केयर करते हो जैसे जैसे मैं कोई 6 साल की बच्ची हूं। तू ठीक बोल रही है बेटा, मैं ही भूल गया था कि तू अब 6 साल की बच्ची नहीं, तू वो बड़ी हो चुकी है। आई एम सॉरी बेटा। Thank you.
एल्बम में खोई हो पार। हाँ बाल गोपाल, हेमा जब छोटी सी बच्ची थी वही सब याद कर रहा था। नंद बाबा की तरह वो भी एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और जब यशोदा मैया ने पूछा कि आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं तो पता है नंद बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? मेरे नंद बाबा बोले कि जब कन्हैया 3 साल का था तब उसने माखन से भरे बर्तन को अपने सर के ऊपर डाल लिया था और पूरा माखन में ना गया था वो। वही याद करके मुस्कुरा रहा हूँ। गोपाल, तुम किन मीठी यादों में खोए हो? बाल गोपाल, हेमा जब 4 साल की थी उसके स्कूल में वार्षिक उत्सव था जहां पर वो एक कविता पढ़ने वाली थी। मेरे प्यारे पापा, मुझे सामने नहीं देखकर वो एकदम घबरा सी गई, सब कुछ भूल गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी तो वो एकदम से तुरंत गाने लगी, मेरे प्यारे पापा, पापा प्यारे प्यारे, इस दुनिया में सबसे प्यारे हैं पापा हमारे, पापा मुझको गुड़िया देते, पापा देते टॉय, लोरी गा के मुझे सुलाते। उसके बाद मेरे पापा सोए। देखो बाल गोपाल, पापा पापा करने वाली मेरी बेटी आज कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसे आज मेरा ही प्यार, मेरा दुलार सब खटकने लगा। देखो इस उम्र के सफर में मेरे और मेरी बेटी के बीच में कितनी बड़ी दूरी पैदा हो गई है बाल गोपाल। पार्थ, मैंने गीता में कहा है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। समय की गति के साथ सब कुछ बदलता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हर माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो कब बड़े हो जाते हैं और कब अपनी दुनिया में खो जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता है। मैं भी जब अपनी मैया की गोद छोड़कर अपने ग्वाल बाल के साथ खेलता रहता था तो मेरी यशोदा मैया को भी ऐसा ही महसूस होता था जैसे आज तुम्हें हो रहा है गोपाल। लेकिन ना उनका प्रेम बदला, ना उनकी ममता, और ना ही उनके लिए मेरे मन में सम्मान बदला, और ना ही प्यार। अरे सेलेक्ट हो गए तो कौन सा कद्दू में तीर मार दिया तुमने? पापा, मैं इतने लोगों के बीच में से अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुआ और आपको जरा से भी खुशी नहीं? अरे लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग आते हैं टीम में? है? खेल को छोड़ो और काम पर ध्यान दो और मेरी तरह माल कमाना सीखो, समझे? जय भगवान, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी हेमा बिटिया ही जीतेगी और मैं सासू माँ जोर जोर से तालियां बजाऊंगा और मेरा मतलब कि तालियां नहीं बजाऊंगा। अब ये बड़ी हो गई है, कोई बच्ची थोड़ी है। हेलो। हाँ संध्या बोल। हाँ मैं तेरे साथ ही आ रही हूँ। नहीं पापा नहीं आ रहे। ओके ओके, मैं तुझे पिक करती हूँ। सी यू, बाय। बस मेरा तो हो गया, मैं थोड़ा कॉलेज का काम कर लूँ। चलो चलो। ओ, अब ये क्या हो गया?
ये साधना भी पता नहीं क्यों मुरली को अपने साथ ले गई, अब कौन करेगा ये सब साफ? पापा मैं कर देती हूँ। अरे भाई मैं करता हूँ ना साफ, तू जा। अरे पापा लेकिन मैं आपके साथ ही तो जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। अरे भाई मैं जानता हूँ तू मेरे साथ जाती है, लेकिन अभी तू जा, कांच है, किसी को लग वग जाएगा मुसीबत हो जाएगी। मैं कर दूंगा साफ, तू जा जा, जा जरा संभल के जाइयो, जरा लग ना जाए, आराम से। पापा। हाँ हेमा बोल। पापा मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। ओके किस चीज के लिए? शॉपिंग के लिए, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड बुक लेनी है। अच्छा चल ठीक है, तैयार हो जा। क्या कर रहे हो गोपाल? तुम्हें हाँ नहीं ना बोलना है। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा ही करो। तुम हेमा से कहो कि तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें बहुत काम है। लेकिन बाल गोपाल मैं हेमा से झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अरे वो मेरी बेटी है, उसे मेरी जरूरत है। गोपाल अगर मैं ऐसा कहने को कह रहा हूँ तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा ना। हाँ कारण तो होगा लेकिन। गोपाल तुम मेरे पार्ट हो, और भूल गए कि सिर्फ पार्ट ही नहीं बल्कि पूरे पांडव मेरी बात मानते थे, और तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो। याद करो मैंने गीता में क्या कहा है कि मैं जो करता हूँ वो अपने भक्तों के भले के लिए करता हूँ। ठीक है बाल गोपाल, मेरा दिल तो नहीं मान रहा लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं दिल पे पत्थर रख के वो कह दूंगा जो तुम उसे कहलवाना चाहते हो। चले पापा। हेमा मैं दरअसल अभी तेरे साथ जा नहीं सकता। क्यों? पापा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप चलेंगे। हाँ बोला था लेकिन वो कॉलेज का कुछ काम याद आ गया, बहुत जरूरी काम है। आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं, पहले मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आए और अब शॉपिंग के लिए भी नहीं आए। नहीं 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 हेमा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए चलिए ना पापा प्लीज। अच्छा थोड़ी देर के लिए? नहीं हेमा दरअसल थोड़ी देर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत जरूरी काम है, समझने की कोशिश कर हेमा, मिलता हूँ मैं तुझसे। गलत किया बहुत गलत किया, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि गलत से भी ज्यादा गलत किया तुमने। अरे हद हो गई, ऐसे को अपनी बच्ची का दिल तोड़ता है क्या? और इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। लेकिन पता नहीं मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ, तुम तो वैसे ही लोगों के दिल तोड़ते रहते हो, फिर वो तुम्हारी चाहे गोपियां हो या कोई और। शांति रखो बात, और मत भूलो कि अगर मैं कुछ छीनता हूँ तो देने के लिए ही छीनता हूँ। अरे तो देते क्यों हो अगर छीनना ही है तो? गोपाल समय आने दो, अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। हाय हेमा। ओ हाय। बेस्ट ऑफ लक हेमा। थैंक्स। क्या हुआ इतनी उदास क्यों लग रही हो? अरे डोंट वरी तुम ही जीतोगी, तुम्हारे डैड इतने बड़े प्रोफेसर हैं, वो तुम्हें इस कॉन्टेस्ट के लिए एकदम रेडी कर देंगे, वो केयर करते हैं तुम्हारी। और एक मेरे डैड हैं, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, वो तो मेरा मैच भी नहीं देखने आ रहे हैं। बहुत लकी होते हैं वो बच्चे जिनके मॉम और डैड उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि तुम। पापा मैं कॉन्टेस्ट के लिए जा रही हूँ, तो अगर आप कॉलेज से थोड़ा सा टाइम निकाल पाए तो प्लीज आइएगा। देखो
सॉरी बेटा, मैं आ नहीं पाऊंगा, वो मुझे जाने नहीं देगा। कौन? कॉलेज का प्रिंसिपल। कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, तो वो मुझे जाने नहीं देगा। ओके, आप मुझे आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। ये क्या है? हाँ? क्या है ये? अरे वो खुद चाहती थी कि मैं वहां पर उसके पास जाऊं और तुमने मना कर दिया इशारा करके। गोपाल, तुम समझते नहीं हो। हाँ? समझदार तो सिर्फ तुम हो, मैं तो बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ नहीं गोपाल, भाव को इसलिए भावनाओं में बह जाते हो। देखो हेमा ने क्या कहा कि आप आइएगा अगर कॉलेज से समय मिले तो, जबकि उसे पूरे अधिकार और जिद के साथ कहना चाहिए था कि मैं कुछ नहीं जानती पापा, आपको आना ही होगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा गोपाल। हाँ, लेकिन अब एक तरह से तो कहा ना उसने। देखो गोपाल, हेमा का भी थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखो। मिस हेमा, आपका टॉपिक है एक बेटी के जीवन में उसके फादर का क्या रोल होता है। ऑल द बेस्ट। एक बेटी के जीवन में पिता का बहुत महत्व होता है। बेटी अगर फूल है तो पिता उस फूल की खुशबू है। जिस खुशबू के बिना फूल अधूरा होता है। खासकर मैं आज जो भी हूं, जैसी भी हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। मेरे पापा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, जो किसी की भी मदद करने के लिए ना दिन देखते हैं ना रात, और उन्होंने यही संस्कार मुझे भी दिए। बाल गोपाल, देखा तुमने मेरी बेटी मेरे बारे में क्या बोल रही है? हाँ हाँ गोपाल, आगे आगे सुनो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे पापा इस दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे पॉजिटिव इंसान हैं। मुझे याद है एक बार मेरे एग्जाम्स में बहुत कम मार्क्स आए थे और मैं बहुत अपसेट हो गई। तब मेरे पापा ने मुझ पे गुस्सा करने के बजाय वो मुझे बाहर घुमाने लगे, खूब खिलाया पिलाया, खूब इंजॉय किया। और पापा ने मुझे ये सिखाया कि सफलता के साथ साथ विफलता को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि विफलता हमें सफलता से ज्यादा सिखा के जाती है। जब मैं 4 साल की थी तब मैंने अपने पापा के लिए एक कविता गाई थी, वो कविता आज मैं आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे पापा, पापा प्यारे प्यारे, इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं पापा हमारे। पापा मुझे गुड़िया देते, पापा देते टॉय, मुझे लोरी सुना, उसके बाद ही मेरे पापा सुन। अब मैं कुछ कहूंगा तो मैं खुद बुरा मान जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, शर्मा जी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, कितनी इज्जत है उसकी नजरों में अपने फादर के लिए। रुको बेटा,
ट्रॉफी जीत के आया? हाँ पापा। अपने बाप से मुबारकबाद नहीं लेगा? मुझे माफ कर दे। गले लग जा, जीत के आया है तू। एक बात बोलूं बेटा, आज के बाद तेरे हर मैच में सबसे आगे तेरा पापा बैठा होगा। मैं जानती कि इस वक्त मेरे मेरे वो प्यारे पहले पापा यहीं कहीं मौजूद होंगे। पापा आप जहां कहीं भी है प्लीज यहां स्टेज पर आ जाए, मुझे आपकी जरूरत है पापा। थैंक यू बाल गोपाल, आज तुम्हारी वजह से मेरे और मेरी बेटी के बीच का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया। तुम धन्य हो बाल गोपाल, तुम धन्य हो।